अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर लेक्चर है, फाइव लेक्चर पाकिस्तान पैनल कोड का। इससे पहले मैंने आपको फोर लेक्चर्स में हमने जो 111, 111, 111 111 सेक्शन तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का जो है सेक्शन जो है 112, 112, अ बेटर वैन लाइबल टू कॉम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल अंडर द लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिफरेंट ऑफेंस, द अबेटर इज लाइबल टू पनिश फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। अब क्या अबेटर वैन लाइबल टू कम्युलेटेड पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। अब जो अबेटर है वो उस पनिशमेंट का हकदार है जो उसने अबेट की है, या उस अबेट के नतीजे में रिजल्ट में जो जुर्म हुआ है, उन दोनों का ही वो मुस्तहक, उन दोनों की सज़ा का मुस्तहक होगा। जैसे इफ़ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज़ लाइबल अंडर द लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन इज़ कमिटेड, जैसे पिछले सेक्शंस में बताया गया है कि अबेटर जो है वो लाइबल होगा इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, उसी एक्ट का जो उसने अबेटेड किया है, एंड और कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा ऑफेंस भी हो जाता है। द अबेटर इज़ लाइबल टू पनिश फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस, अबेटर जो है वो दोनों ही तरह के ऑफेंस का मुजरिम करार दिया जाएगा। जैसे इसकी इलिस्ट्रेशन में मेंशन किया गया है कि ए इंस्टिगेट बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ए जो ने जो बी को इंस्टिगेट किया, वरगलाया है कि अपना ताकत के साथ डिस्ट्रेस किया जाए पब्लिक सर्वेंट को, बी इन कॉन्सिक्वेंस रेजिस्ट द डिस्ट्रेस इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस, बी वॉलंटरली काज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस। अब बी जब उसको रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, उसी रोकने के अंदर, फोर्स के अंदर, रेजिस्टिंग में, ए ने सिर्फ रोकने का कहा था, लेकिन बी ने खुद से वॉलंटरली खुद से ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ग्रीवियस हर्ट जो है वो काज्ड हो गए। ग्रीवियस हर्ट्स जो है उन्हें पब्लिक सर्वेंट को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रीवियस चोट्स, अपना चोटें वगैरह आ गई या वो ज़ख्मी हुआ। तो बी हैज़ कमिटेड बोथ दी ऑफेंस। अब इसमें बी जो है, जिसने इंस्टिगेट हुआ है, उसने दोनों ही तरह के ऑफेंस किए, एंड द ऑफेंस ऑफ वॉलेंटरली काजिंग हर्ट्स बी इज़ लाइबल टू पनिश फॉर बोथ दीज ऑफेंसेस, एंड इफ ए न्यू दैट बी वॉज लाइकली वॉलेंटरली टू काज ग्रीवियस हर्ट इन रेजिस्टेंस। अगर अब बी ने तो दोनों ऑफेंस किए, क्योंकि एक अबेटमेंट के थ्रू जो किया और दूसरा उसने खुद से वॉलेंटरली किया, लेकिन अगर ए की नॉलेज में ये बात थी कि अगर बी जो है रेजिस्टेंस के दौरान ये कर सकता है, या वो ऐसा कर सकेगा या करेगा, और वो कर देता है, तो फिर ए भी जो है दोनों ही तरह की पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। अदरवाइज जो इंस्टिगेटर होगा वो इंस्टिगेट की पनिशमेंट में, और बी जो होगा जिसने फोर्स का इस्तेमाल किया है, वो दोनों तरह की पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। इसके बाद है सेक्शन 113, 113, लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन ऑफेंस कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड बाय द अबेटर। अब क्या लाइबिलिटी होगी उस अबेटर की, वरगलाने वाले की, फॉर एन अफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट, कि जो उसने एक्ट किया है उसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट है अबेटेड फ्रॉम द इंटेंडेड बाय द अबेटर, जैसा अबेटर ने कहा था उससे मुख्तलिफ उसका रिजल्ट है। जैसे कि वैन एन एक्ट इज़ अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर ऑफ काजिंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट एंड एक्ट एंड एंड एन एक्ट
फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट कॉज्ड अ डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर. द अबेटर इज लायबल फॉर दिस इफेक्ट कॉज्ड इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड अबेटेड द एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉज्ड दैट इफेक्ट प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट abated was likely to cause that effect. When an act is abated with the intention on the part of the abater, अगर कोई अमल कोई किया जाता है abate किया जाता है with the intention on the part of abater, abater की जानिब से abater की intention से of causing a particular effect, किसी वज caused किसी भी particular effect का एंड एन एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस और वही एक्ट उसकी कॉन्सिक्वेंस में जो अबेटर है वो इफेक्ट होता है ऑफ द अबेटमेंट काज अ डिफरेंट इफेक्ट. जैसा कि अबेटर ने कुछ करने को कहा लेकिन उसके रिजल्ट में उसकी कॉन्सिक्वेंस में ही कोई दूसरा अमल भी हो जाता है या वो जो कहा था वो नहीं और दूसरा हो जाता है दैट इंटेंडेड टू द अबेटर. The abettor is liable for the effect caused in the same manner. Abettor जो है वो उसी उसी तरीके से उसके अंदर उसको उसी तरीके से सज़ा दी जाएगी या उसमें शामिल समझा जाएगा जिस तरीके से उसने जिस इंटेंशन से उसने अबेट किया है. जैसे इसकी इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे ए इंस्टिगेट बी टू काज ग्रीवियस हर्ट टू जेड. ए ने वरगलाया बी को कि जेड को जो है नुकसान दे किसी भी तरह का. बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और बी जो है उसी इंस्टिगेशन की कॉन्सिक्वेंस में काजेज ग्रीवियस हर्ट टू जेड. वो जेड को मुख्तलिफ किस्म का कोई नुकसान दे देता है चोट देता है. जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस और जेड जो है उसी तसलसल में उसका मौत हो जाती है. हेयर इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू काज डेथ. अब यहाँ पर अगर ए को ये मालूम था कि जो जिस तरीके से उसने वरगलाया और जिस तरीके से उसने कहा था मारने को उस तरीके से मरने से उसकी मौत हो सकती थी. ए इज़ लाइबल टू पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर. फिर उसमें ए को भी उसी पनिशमेंट में पनिशमेंट दी जाएगी कि उसने मर्डर किया है. इसके बाद अगला सेक्शन है 114 114. अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड. अब जिसने अबेट किया है जिसने किसी भी जुर्म को अबेटमेंट में आनत की है वो उस जुर्म के सरजद होने के टाइम पर भी वहाँ मौजूद हो प्रेजेंट हो. वेन एवर एनी पर्सन हु इज़ एबसेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर इज प्रेजेंट वेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज कमिटेड ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस. वेन एवर एनी पर्सन जब कोई भी शख्स हु इफ एबसेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिशमेंट एज एन अबेटर. अगर वो मौजूद नहीं है तो उसे पनिश किया जाएगा एज एन अबेटर की सूरत में. इज प्रेजेंट वैन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज कमिटेड ही शैल बी डीम टू हैव कमिटेड. जब वो वहाँ मौजूद होगा उसकी प्रेजेंस होगी तब उसे समझा जाएगा कि ये एक्ट इसी ने किया है ये जुर्म इसी ने किया है जो अबेटर अगर वहाँ मौजूद होगा तो. इसके बाद सेक्शन 115 115. अब ये पूरा चैप्टर जो है आपका इसी तरह है 115 116 117 अबेटमेंट का है. ये पूरा चैप्टर 119 120 तक 120 तक जो है ये अबेटमेंट की सारी आपके सेक्शंस हैं जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं और इसकी पनिशमेंट है. इसके 20 में जो है पनिशमेंट दी गई है अबेटमेंट की कि ये जो भी अबेटमेंट्स वगैरह हैं
जो जिस तरीके से भी उनमें किस तरह उनकी क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, तो ये बाकी आप इसमें देखिएगा उनको, मैं फिर बाद में समझा दूंगा जो समझ नहीं आएगा। तो इसका 120 जो है उसको मैं आखिरी में आपको इसी चैप्टर का समझा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, हू एवर इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल वेयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट वाट वॉलेंटरली कंसील्स बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस और मेक एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी अ फॉल्स रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिंग सच डिज़ाइन। हुएवर, जो कोई भी इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट और नोइंगली इट टू बी लाइकली दैट ही विल वेयर बाय फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, जो कोई भी इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट शामिल होगा किसी भी फैसिलिटेट में जानबूझकर, वो इम्प्रिजनमेंट पनिशेबल उसको उस कमीशन में पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट के साथ। और इफ ऑफेंस बी कमिटेड, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर कोई ऑफेंस हो जाता है अबेटमेंट जो अबेटमेंट की गई है उसके तहत अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, या इफ ऑफेंस इज बी कमिटेड, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, और अगर ऑफेंस कमिटेड नहीं होता, उसने अबेट किया अपनी तरफ से लेकिन ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, शैल इफ द ऑफेंस बी कमिटेड बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म्स विच मे एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ 1/4, शैल होगा इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर ऑफेंस हो जाता है, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, जो ऑफेंस किया गया हुआ जो होगा उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट जो दी गई है उसका फॉर अ टर्म्स विच मे एक्सटेंड टू 1/4, जो उसका एक चौथाई होगा, यानी कि जो ऑफेंस अबेटमेंट के थ्रू अबेट किया गया था और उसके रिजल्ट में जो ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस की जो सज़ा है अबेटर को उसकी 1/4 दी जाएगी। एंड इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, लेकिन अबेटर ने अबेट करने वाले ने जो ऑफेंस के अबेटमेंट की थी लेकिन वो ऑफेंस कमिटेड नहीं होता, टू 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विथ बोथ। अब अगर ऑफेंस हो जाता है तो 1/4 लगेगी उसके ऊपर, और ऑफेंस नहीं होता है तो 1/8 लगेगी, जो लॉन्गेस्ट टर्म्स होगी इम्प्रिजनमेंट की वो लगेगी, और या फाइन होगा या फिर दोनों ही चीज़ें उसको सज़ा दी जा सकती हैं। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 5 था ये अपना अबेटमेंट का। उसके बाद चैप्टर 6 है, सॉरी 5A है, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। अब ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है और ये एक ही सेक्शंस के ऊपर है, 120A के ऊपर, 120A 120B के ऊपर, ये दो चैप्टरों के ऊपर, दो सेक्शंस के ऊपर ये चैप्टर है, क्योंकि ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी उसी अबेटमेंट से ही रिलेटेड चीज़ों से है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, 120A, अबेटमेंट 120 पे ख़त्म हो रहा है चैप्टर, और 120A पे जो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का चैप्टर शुरू हो रहा है। 120 डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, व्हेन टू और मोर पर्संस एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, जब दो या ज़्यादा लोग एग्री हो जाएं, उस पर आमादा हो जाएं टू डू करने पर, टू कॉज टू बी डन, कुछ भी कुछ गलत या कोई काज डरने पर, एन इलीगल एक्ट, कोई भी गैर कानूनी अमल, एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, सच एन एग्रीमेंट इज डिजाइंड अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल, कोई भी ऐसा अमल जो इलीगल नहीं, बाय इलीगल मीन्स, ना ही उसका मकसद कोई इलीगल था, सच एन एग्रीमेंट इज़ डिजाइंड अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, लेकिन उसका जो
एग्रीमेंट, उसका जो मुआहदा बनाया गया या उनकी जो उस चीज़ की तसलसल है जो, वो उसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी डिजर्व, वो मुआहदा बनाते वक्त उनकी जो माइंड है वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी था। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शेल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इज परसुएंस देयर ऑफ। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, कोई भी एग्रीमेंट इलावा अजा कि वो एग्रीमेंट इससे मुतालिक हो, तो कमिट की कोई भी जुर्म करने से मुतालिक हो, शेल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के ज़मरे में आएगा अनलेस जब तक सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज, जब तक कोई भी अमल इसके अलावा दी एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट है इज डन बाय वन और मोर पार्टीज, एक या एक से ज़्यादा पार्टीज की तरफ से किया जाए, टू सच एग्रीमेंट इज परसुएंस देयर ऑफ, उसी एग्रीमेंट की परसुएंस में या उसी उसमें। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, इट इज़ इमटीरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। इट इज़ इमटेरियल वेदर दी इलीगल एक्ट इज़ दी अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट। इमटेरियल चीज़ें हैं लेकिन जो इलीगल एक्ट है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ उस एग्रीमेंट का डायरेक्ट नहीं है और इज़ मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट, या वो हादसाती तौर पर उसके अंदर आ गया जबकि उसका वो ऑब्जेक्ट या उसका हिस्सा नहीं था। अब क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप थोड़ा देखिएगा, क्योंकि ये इसके मेन चीज़ें हैं कि कॉन्स्पायरेसी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या चीज़ें हैं। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस ऑफेंस आर, यानी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, अगर वो शामिल, मतलब किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को शामिल साबित करने के लिए ये जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं इनका होना लाजमी है, वो क्या है? दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स हु आर अलेज्ड टू कंस्पायर। अब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है उन अशखास के जो इस कॉन्स्पायरी का हिस्सा हैं। द एग्रीमेंट शुड बी, जो एग्रीमेंट होगा फॉर डूइंग ऑफ एन इलीगल एक्ट, वो जो उनका मुआहदा है वो किसी भी ऐसे काम को करने के का होगा जो कि गैर कानूनी है, फॉर डूइंग बाय इलीगल मीन्स एन एक्ट विच मे नॉट इटसेल्फ बी इलीगल, या कुछ ऐसा गैर कानूनी करने का जिसका मतलब ये हो कि वो खुद से गैर कानूनी नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो गैर कानूनी या इलीगल आए। ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का डेफिनेशंस थी 120A में, और इसकी 120B में इसकी पनिशमेंट दी गई है कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अगर हेल्ड हो जाती है 120A के थ्रू तो 120B में उसकी पनिशमेंट है। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरी, हु एवर इज़ अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म्स फॉर अ टर्म्स ऑफ 2 years और अपवर्ड शेल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पायरेसी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। हुएवर इज अ पार्टी, जो कोई भी उसके अंदर पार्टी है टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, उस क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में टू कमिट एन ऑफेंस, कोई जो जुर्म करने की, फॉर दी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, जिसकी सज़ा जो है मौत है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या उम्र कैद, और रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट या बड़ी जो इम्प्रिजनमेंट है सख्त वाली, सख्त इम्प्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल या उससे ज़्यादा है। शेल वेयर नो एक्सप्रेस हो
लेकिन जहाँ पर कोई एक्सप्रेस प्रोविजंस नहीं है इस कोड के अंदर पनिशमेंट का ऑफ सच कंस्पायरेसी, उस कंस्पायरेसी का बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। फिर अगर इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है इस कंस्पायरेसी के लिए, तो वो उसी तरह से उसे सज़ा दी जाएगी जो अबेटमेंट के ज़मरे में आएगा। नंबर टू है इसका सबसेक्शन टू, हू एवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफोरसेड शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 6 months और विथ फाइन और विथ बोथ। हू एवर इज अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, जो कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर पार्टी अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल एज अफर सेड शैल बी, जो ऊपर दिए गए हैं पनिशेबल उनके अलावा जो होगा शैल बी पनिश्ड, उसको पनिश की जाएगी इम्प्रिजनमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स जिसकी जो सज़ा है वो 6 महीने तक होगी, 6 महीने होगी या फाइन होगा या दोनों ही चीज़ें उसके सज़ा के तौर पर होंगी। तो ये आज आपका चैप्टर 5B भी पूरा हो गया, 5A सॉरी पूरा हो गया। इंशाल्लाह समझ आ गया होगा, जो समझ नहीं आया हो तो वो मैं मज़ीद समझा दूंगा। अच्छा, जो मेन इसके हैं जैसे अबेटमेंट के 107, 108, 109, 110, 110, 1111, ये सेक्शन मेन थे इसलिए वो मैंने समझा दिए। 120 मेन था वो मैंने समझा दिए, बाकी उसी के तसलसल्स में हैं। और कॉन्स्पायरेसी के दोनों मैंने आपको समझा दिए। तो जो मेन है जो काम की मतलब मेन है जो पेपर वगैरह में आ जाते हैं इन चीज़ों में, मैं उनको वो डिटेल में आपको समझाऊंगा, बाकी आप खुद पढ़िएगा समझिएगा, जो ना समझ आए वो मुझसे सवाल के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।